भैया, मैंने 12th के एग्जाम में टॉप किया है मेरे स्कूल में। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ माँ, अच्छी बात तो है माँ, लेकिन अब सीमा की शादी के लिए भी लड़का देखना हमें शुरू कर देना चाहिए। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। सही उम्र में बच्चों की शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। माँ भैया, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। डॉक्टर बनना है, ऐसे अगर हर कोई बनने लग गया डॉक्टर तो हो गया कल्याण। माँ मुझे नहीं पता, मुझे अभी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी है। क्या करोगी पढ़ लिख कर? वैसे भी ससुराल जाके खाना बर्तन झाड़ू पोछा ही करना है। अरे बहू, तू तो पढ़ी लिखी है फिर भी ऐसी बातें कर रही है। अरे तू भी तो घर और जॉब तेरा दोनों देखती है, तो फिर सीता क्यों नहीं देख सकती? उसकी इच्छा है कॉलेज की पढ़ाई करने की, तो करने देते हैं। माँ जी, आप मेरी बात तो मत ही करो। अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो इस घर के खर्चे कैसे चलेंगे? एक आपके बेटे की कमाई से इस घर का उद्धार नहीं होने वाला। देख सरिता, बुरा मत मानना, घर के खर्चे तो चल ही रहे थे जब तू भी नहीं थी, और अभी भी चल ही जाएंगे। इतना तो मैं कमाता हूँ, तो सीधे सीधे यूँ बोल कि तेरे जो हाई फाई खर्चे हैं वो जरूर मेंटेन नहीं होंगे। तुम तो चुप ही रहो, चलो कमरे में, फिर बताती हूँ तुमको। और माँ जी, मुझसे तो उम्मीद रखना मत कि मैं आपकी बेटी के कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे दूंगी। फ्री में कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन माँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है ना कॉलेज की। अरे तू चिंता क्यों करती है, अभी तेरी माँ जिंदा है, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तो कल ले लेना और कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेना। ठीक है माँ। आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया। हाँ पर सुनो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, आज खाना कहीं बाहर से मंगा लेते हैं ना प्लीज। पर बहू, कल भी तुम लोगों ने खाना बाहर से ही मंगाया था। बेटा ऐसे रोज रोज बाहर से खाना मंगाना अच्छी बात नहीं है, ऐसे तो रोज के खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। माँ जी, आप उसकी चिंता मत ही करो, इतना तो मैं कमाती हूँ कि मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। हम अपने पैसों से खाना मंगाएंगे, आपसे तो मांगा नहीं हमने। हाँ बहू, वो बात तो सही है, लेकिन बेटा पैसे को थोड़ा हिसाब से खर्च करना चाहिए। एक तो तुम लोग आए दिन शॉपिंग करते रहते हो, उसके बाद भी इतने फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है बेटा। पैसों की कब कैसे जरूरत पड़ जाए कोई नहीं कह सकता, इसलिए थोड़े पैसे बचा कर रखो तुम। ठीक है माँ जी, आपके ज्ञान की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हें रहने के लिए घर, खाना, कपड़ा सब कुछ मिल रहा है ना, तो चिल करो ना। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हम पे छोड़ दो, हम अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से देख लेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मैंने तो अपने तजुर्बे से जो सीखा है वही तुझे समझा रही हूँ कि इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। हो गई ज्ञान की शुरुआत। ये आजकल के बच्चों को पता नहीं कोई बात समझ में क्यों नहीं आती। ये लो, लाइट को भी अभी जाना था। अरे हाँ, लाइट तो इसे कभी जाती नहीं है, फिर अचानक कैसे चली गई? तुम रुको, मैं बाहर जरा देख कर आता हूँ। बेटा बाकी सबके घरों में तो लाइट है, अपने घर में ही लाइट क्यों नहीं है? तूने बिजली का बिल तो भर दिया था ना? हाँ माँ, मैंने सुमन को बिजली के बिल भरने के लिए पैसे भी दे दिए थे, तो उसने भर ही दिया होगा। ए जी, मुझे तो कुछ कहिएगा मत, बिजली बिल भरने के लिए पैसे दिए थे? अरे वो पैसे तो तुमने खुद ही शॉपिंग में उड़ा दिए थे। क्या मतलब, तुमने बिजली का बिल भरा ही नहीं? तो मुझे क्यों बोल रहे हो? बोला ना कि पैसे नहीं थे मेरे पास, तुमने ही तो बोला था कि आज शॉपिंग कर लेते हैं जी भर के, बाकी का बाद में देखेंगे, उसी शॉपिंग में सारे पैसे खर्च हो गए। अरे बेवकूफ औरत, मैंने वो सारे पैसे उड़ाने के लिए थोड़ी ना बोले थे, मैंने तो बोला था कि बचत के जो पैसे हैं उससे शॉपिंग कर लो। खैर तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, सारे खर्चे मैं ही करती हूँ, जैसे खुद तो कुछ करते नहीं हो, 5,000 रुपए के जूते लाते हो। चुप भी करो यार। माँ मुझे 4,000 रुपए दो ना, बिजली का बिल भर देता हूँ, मेरी सैलरी जैसे ही आएगी मैं आपको वापस दे दूंगा। ठीक है बेटा, जा अलमारी में रखे हैं ले ले पैसे और बिजली का बिल जमा कर दे। ठीक है माँ। माँ मेरी एग्जाम डेट आ गई है और मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है,
नहीं तो वो लोग मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं कल दे दूंगी तुझे पैसे, तू जमा कर देना। ठीक है माँ। सीमा, ओ सीमा, क्या हुआ माँ? बेटा मैंने अलमारी में जो पैसे रखे थे तूने कहीं रखे हैं क्या? वहाँ पे तो पैसे ही नहीं है। नहीं माँ, मैंने तो कहीं नहीं रखे पैसे, मुझे कुछ नहीं पता आपके पैसों के बारे में। अरे तो फिर कहाँ चले गए पैसे? मैंने तो यही अलमारी में रखे थे। माँ जी, मैं आपको चोर दिखती हूँ क्या? मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाती हूँ। अरे बहू, मैंने तो तुझे कुछ बोला ही नहीं, तू क्यों भड़क रही है? आपने नहीं बोला तो क्या हुआ माँ जी? सुनाना तो आप मुझे ही चाह रही हैं, तभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पैसे कहाँ गए। तू भी ना बहू, किस बात का क्या मतलब निकाल लेती है, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे माँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, सीमा की फीस जमा करनी है कॉलेज में, अलमारी में मैंने पैसे कुछ रखे थे, वो वहाँ पर है ही नहीं, बस इसीलिए पूछ रही थी। माँ मुझे जरूरत थी पैसों की, इसलिए मैंने ले लिए हैं। और वैसे भी आप करोगे क्या इतने पैसों का? बेटा तुझे बताया ना, सीमा के कॉलेज की फीस जमा करनी है। अच्छा दे, ला दे दे पैसे तो मैं उसको दे दूँ। माँ अभी नहीं है मेरे पास पैसे, मैंने खर्च कर दिए, शाम को ऑफिस से आता हूँ तो ला कर देता हूँ आपको। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, शाम को दे देना तो सीमा कल जमा कर देगी। ठीक है सीमा बेटा, अपने कॉलेज वालों को बोल देना कि मैं कल फीस जमा कर दूंगी। ठीक है माँ। अरे बेटा आ गया, पैसे तो लेके आया है ना? क्या हुआ, तो ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है, कुछ हुआ है क्या? माँ मुझे ना ऑफिस वालों ने नौकरी से निकाल दिया। क्या, हे भगवान, अब क्या करे, इस घर का खर्च कैसे चलेगा, अब तेरी बहन की फीस कैसे भराएगी? क्या हुआ माँ? भैया आप दोनों इतनी चिंता में क्यों खड़े हो? अरे तेरे भाई की नौकरी चली गई है, अब क्या होगा इस घर का, कैसे घर के खर्चे चलेंगे, कैसे तेरी फीस जमा होगी? माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहू के पास कुछ पैसे हैं, तब तक उससे कुछ दिन गुजारा हो जाएगा और तब तक मैं दूसरी नौकरी भी ढूंढ लूंगा। ये क्या बोल रहे हो आप, कौन से पैसे, कैसे पैसे, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। क्यों, तुम्हें मैं अपनी सैलरी के आधे पैसे हर महीने देता था ना, कहाँ गए वो पैसे? अरे ये क्या बात हुई, आपने तो पैसे ये बोल के दिए थे ना कि ये तुम्हारे पैसे हैं, सो मैंने अपनी शॉपिंग, अपने खाने खर्चे पे उड़ा दिए वो पैसे। हे भगवान, तुमने अपनी पूरी सैलरी के पैसे और मेरी आधी सैलरी के पैसे सिर्फ शॉपिंग और खाने पे उड़ा दिए। मैं कोई अकेले शॉपिंग पे नहीं जाती थी, साथ में तुम भी तो चलते थे, तुमने भी तो कितनी शॉपिंग की। और रही बात खाने की, तो कोई अकेले नहीं खाया मैंने, सबके लिए ही खाना ऑर्डर होता था और सब खाते थे। अब पैसे खत्म हो गए तो मेरे ऊपर कुछ बुलांछन मत लगाओ, समझे? और हाँ, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से क्या करना है। अच्छा जाने से पहले तुम एक काम करो, माँ ने तुम्हें जो जेवर दिए थे ना वो मुझे दे दो, सुनार के पास रखकर कुछ पैसे ले आता हूँ, तब तक सीमा की कॉलेज की फीस और घर के खर्चे भी चल जाएंगे, फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। वाह जी वाह, तुम्हारे घर खर्चे, तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए मैं अपने जेवर दे दूँ? पागल समझ रखा है क्या मुझे, मैं कुछ नहीं देने वाली, मैं सब लेकर अपने मायके जा रही हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए, मैं अगले साल एग्जाम दे दूंगी कॉलेज की। तू चिंता मत कर बेटा, मेरे पास तेरे पापा की आखिरी निशानी रखी हुई है, एक सोने की चैन जो मैंने संभाल के रखी थी, किस जब इसकी शादी करूंगी तेरी बहन की तब देने के काम आएगी, पर अभी इस घर को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, तू ले जा बेटा वो और बेच कर कुछ पैसे ले आ, तब तक घर के खर्च चलेंगे। मुझे माफ़ कर दे माँ, मेरी फिजूल खर्चे की वजह से आज इस घर में ये नौबत आ गई कि पापा की आखिरी निशानी भी बेचनी पड़ रही है। मैं बहुत जल्द दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा माँ, और मैं बहुत मेहनत करूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, बिना ज़रूरत का सामान कभी नहीं खरीदूंगा। अगर मैं पहले ही आपकी बात मान लेता तो शायद आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता माँ, और आपकी बात हमेशा याद रखूंगा कि हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, और हमारी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।